हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में लोग बात करने वाले वनडे सीरीज के फर्स्ट मैच के बारे में, जो कि होने वाला है पाकिस्तान और वेस्टइंडीज इन दोनों टीमों के बीच में। दोस्तों, ये मैच शाम को 4:30 बजे स्टार्ट होगा। वेन्यू होने वाला है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, मुल्तान। तो इंटरेस्टिंग मैच है, तो बिल्कुल वीडियो को मिस मत करना। आगे बढ़ने से पहले आपको करना कि आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना है, वहीं पे आपको रेगुलर फाइनल अपडेट्स मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। गाइस, पिच बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर वनडे क्रिकेट या फिर वनडे मैच कब हुआ था पता है? लास्ट टाइम 2008 में। 2008 के बाद यहाँ पे कभी वनडे मैच नहीं हुआ है। ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं हुआ था पिछले कुछ समय में, पिछले बहुत सालों तक। पिछले कुछ समय में स्टार्ट हुआ है फिर से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट, तो इसी वजह से। बट PSL के थ्रू अगर हम लोग इस पिच को समझने की कोशिश करें तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग विकेट होती है, बैटिंग पैराडाइज मान के चल सकते हो। बहुत रन बनते हैं, हम लोगों ने PSL में देखा था। तो देखते हैं इस बार क्या पिच है। अगर पिच रिपोर्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, वरना तो फिर हम लोग बैटिंग फ्रेंडली पिच कंसिडर करके ही आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, बात करते हैं विंडीज़ की। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने अपना 15-16 प्लेस का स्क्वाड सिलेक्ट किया है, और उसमें से ये 11 प्लेस मोस्ट लाइकली खेलने चाहिए। अब जो रिसेंट सीरीज हुई थी नीदरलैंड के सामने, कुछ इसी टाइप की टीम वहाँ पे खेल रही थी, बस वहाँ पे रोमन पॉवेल नहीं थे। तो मुझे लगता है यहाँ पे रोमन पॉवेल आ जाएंगे केसी काटी के जगह पे। उसके बाद रोमारियो शेपर्ड को चांस मिल सकता है एंडरसन फिलिप के जगह पे। तो ये कुछ चेंज हो सकता है, बाकी मुझे लगता है मोस्ट लाइकली सेम टीम रहनी चाहिए। अब ये चाहे तो क्रुमा बोनर को ड्रॉप कर सकते हैं, ये लोग चाहे तो क्रुमा बोनर को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा पेसर को खिला सकते हैं या फिर स्पिनर को खिला सकते हैं। तो ये थोड़ा नोट करके, नहीं इनके पास पेसर ही है एक्स्ट्रा, तो चांस मिल सकता है अगर क्रुमा बोनर को ना खिलाए तो। अब इनके लिए देखो, और एक बात, लास्ट मैच में काइल मेयर्स ने ओपन किया था शाई होप के साथ, तो मुझे लगता है टीम यही कंटिन्यू करेगी, काइल मेयर्स से ही ओपनिंग करवाएगी। अब आपको हर प्लेयर के ओवरऑल स्टैट्स प्लस इनके पिछले 3 मैच जो इन्होंने नीदरलैंड के सामने खेले थे उनके स्टैट्स देख लो, तो ओवरऑल भी इनका 38 का एवरेज है, प्लस लास्ट मैच में जब ओपन किया था 120 की पारी खेल गया है, प्लस एक कुछ राइट आर्म मीडियम बॉलिंग भी देते हैं। रिसेंट फॉर्म भी काइल मेयर्स का बहुत अच्छा है। शाई होप ने पहले मैच में 100 लगाया था, अगले 2 मैच में रन नहीं बने, बट इनका करियर एवरेज 51 का, एशिया में बहुत रन बनाते हैं। एशिया में आई थिंक इनका 70+ का एवरेज है, 70+ का एवरेज, ठीक है, समझ सकते हो। तो किस लेवल पे खेलते हैं, विकेट कीपिंग भी देंगे। शमरा ब्रुक्स का फॉर्म भी बहुत बढ़िया है, 60+101 की 2 अच्छी पारियां खेल के आए रिसेंटली नीदरलैंड के सामने। करियर एवरेज भी अच्छा है और अच्छे फॉर्म में भी ओवरऑल। निकोलस पुरन का T20 फॉर्म बहुत अच्छा है, बट इस साल इन्होंने वनडे क्रिकेट में बहुत खराब क्रिकेट खेला है। टीम के कैप्टन बने हैं, 7-10-7 कुछ इस तरीके से नीदरलैंड के सामने बने थे, तो ये थोड़ा सा नोट करके चलोगे। क्रुमा बोनर ने ओपन किया, 0 पे आउट हुए, फिर 1 डाउन 2 डाउन आए तो रन उनके बने नहीं। पिछले मैच में थोड़ा सा नीचे आए थे, 19 नॉट आउट बनाए थे, तो हो सकता है टीम इस मैच में इनको ड्रॉप कर दे। ब्रेंडन किंग एज अ फिनिशर इन्होंने अच्छा किया है, 58 नॉट आउट, 91 नॉट आउट, 10 रन, तो एज अ फिनिशर नीदरलैंड के सामने नंबर 5 पे आके नंबर 6 पे आके इन्होंने एक्चुअल में रन बनाए हैं, तो इनका नोट करके चलोगे। केसी काटी ने लास्ट मैच में 43 की बहुत बढ़िया पारी खेली थी नीदरलैंड के सामने, अच्छी पार्टनरशिप करी थी ब्रेंडन किंग के साथ। इनका लिस्ट अगर देखोगे तो 26 मैचेस में करीबन 550 के आसपास रन, थोड़ी बहुत राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं, और पिछले मैच में इन्होंने डेब्यू किया था। शायद से खेलेंगे नहीं, बट अगर खेल भी जाते तो हम इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। अकील हुसैन अच्छी बॉलिंग करके आए, 8 विकेट्स निकाल के आए और नीदरलैंड के सामने तगड़ी बॉलिंग करी थी। बढ़िया बॉलर है, प्लस ये बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी लेफ्ट हैंड बैटिंग भी कर लेते हैं, अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो अच्छे पिक रहने वाले हैं। अल्जर जोसे आईपीएल में अच्छा किया था, फिर यहाँ पे नीदरलैंड के सामने 2 मैच में 3 विकेट्स भी निकाली, ये भी बैटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत नीचे आके। हेडन वॉल्श ने निकाल दी 3 मैचेस में 4 विकेट नीदरलैंड के सामने, करियर में 25 विकेट्स, अच्छे राइट हैंड लेग ब्रेक स्पिनर है। एंडरसन फिलिप ने डेब्यू किया था, 2 मैच में 2 विकेट निकाली थी, प्लस लिस्टे करियर में 29 विकेट्स है। और वही देखो तो बेंच पे जो शर्मन लेवी जो पिछले मैच में खेले थे, डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज़ के लिए पिछले मैच में, जहाँ पर इन्होंने 3 विकेट्स निकाली थी, और लिस्टे करियर में 10 विकेट्स है। पॉवेल को आप जानते हो, PSL क्यों आ रहा बार बार, IPL में 67 नॉट आउट प्लस 43 की 2 अच्छी पारियाँ खेली थी। वैसे फॉर्म इनका ठीक था, कुछ अच्छे इन्होंने कैमियोस खेले थे दिल्ली कैपिटल्स के लिए, अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं, ये थोड़े बहुत राइट आर्म मीडियम बॉलिंग भी करते हैं। वैसे इनके ODI स्टैट्स उतने इंप्रेसिव नहीं, बट रिसेंट फॉर्म अच्छा है, तो उस हिसाब से ट्राइबल पिक रहेंगे। रोमारियो शेपर्ड देखो, स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में ये IPL में खेले थे, बट अगर देखोगे तो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए थे, तो इसी वजह से इनको ड्रॉप कर दिया गया था। बट ये अच्छी बॉलिंग कर लेते, अच्छी बैटिंग भी कर लेते नीचे आके, तो अगर ये भी खेल रहे तो ये भी एक अच्छे डिफरेंशियल पीक रहेंगे। जेडन स्टील्स ने पिछले मैच पर डेब्यू किया था नीदरलैंड के सामने, वहाँ पे 1 विकेट निकाला था। टेस्ट क्रिकेट रेगुलर खेलते वेस्ट इंडीज के लिए, बट अब तक वनडे क्रिकेट में ज़्यादा चांसेस नहीं मिले हैं। वैसे भी डोमेस्टिक में भी लिस्ट में इन्होंने सिर्फ 4 ही मैचेस खेले, तो समझ सकते हो।
दोस्तों बात करते पाकिस्तान की, तो कुछ इस तरीके से अपना स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया है, जिसमें से मोस्ट लाइकली मुझे लगता है ये 11 प्लेयर्स आपको खेलते हुए मिलने चाहिए। फ़खर इमाम ओपन करेंगे, वन डाउन आएंगे बाबर आजम, फिर इफ्तिकार अहमद, रिजवान, खुशदिल, शादाब, मोहम्मद नवाज, तो इनकी बैटिंग यूनिट अच्छी खासी, अच्छा खासा डेप्थ इनके पास, बहुत सारे ऑलराउंडर्स है। बाकी हसन अली, शाहीन शबरीदी, हरीश रोप इनके मेन तीन पेसर्स, ठीक है। बेंच पे भी अच्छे प्लेयर्स है, बट हो सकता है मोहम्मद वसीम जूनियर खेल जाए हसन अली की जगह पर, बट चांसेस कम है। ओके अब दोस्तों हम लोग इनका रिसेंट फॉर्म देखेंगे। रिसेंटली इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 मैचेस की वनडे सीरीज खेली थी आईपीएल से जस्ट पहले, और इनका रिसेंट फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस सीरीज में इमाम उलग देखो 103, 106, 89 रन, करीबन 300 रन बना दिए थे, 300 से ज़्यादा रन बना दिए थे, ठीक है, 300 के आसपास, सॉरी 298 रन। तो समझ सकते हो कितनी बढ़िया बैटिंग करी थी 3 मैचेस में। करियर एवरेज भी इनका 49 का है, जल्दी विकेट नहीं फेंकते। फ़खर की बात करें तो 18, 67, 17 की कुछ 3 इनिंग्स आई थी, बाकी इनका करियर एवरेज भी बढ़िया है 47 का, और एग्रेसिव प्लेयर है। बाबर आजम ने उस सीरीज में 57, 114, 105 नोट आउट बनाए थे, इनका करियर एवरेज 56 का है। तो इनके जो टॉप थ्री है बहुत सॉलिड टॉप थ्री है, इनका नोट करके चलना। फिर इनका थोड़ा सा स्ट्रगल है, इफ्तिकार अहमद नंबर 4 पे आते हैं, बट उतना बढ़िया अब तक इन्होंने किया नहीं वनडे क्रिकेट में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सामने बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे। और लिस्टे करियर इनका बहुत अच्छा है, 50 का एवरेज जरूर है, बट यहाँ पे रन उतने बने नहीं अब तक वनडे क्रिकेट में, ठीक है। रिजवान की बात करें तो रिजवान ने रिसेंटली काउंटी के 3 T20 ब्लास्ट में 3 मैचेस खेले थे, वहाँ पे 81 नोट और 58 और 13 बनाए थे। बाकी अगर देखोगे तो इनका करियर एवरेज सिर्फ 28 का है, T20 क्रिकेट में बहुत इंप्रेसिव रहे हैं, बट वनडे क्रिकेट में अब तक उतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका आया नहीं है। बाकी क्वालिटी प्लेयर आपको पता ही है। खुशदिल शाह रिसेंटली PSL में बहुत अच्छा किया था, फिर ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर देखोगे तो अच्छी बैटिंग करी थी, 27 नोट आउट, 24, 19, एक विकेट भी नहीं, सॉरी माफ करना, 2 विकेट भी निकाले थे एज अ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। इनका नोट करके चलना, ये आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं ग्राइंड लीग के लिए, बिकॉज अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं इनका डोमेस्टिक, मतलब लिस्ट में भी इनके स्टार्स अच्छे हैं। शादाब खान ये भी काउंटी खेल रहे थे, 4 मैच में सिर्फ एक ही विकेट मिला था, तो वहाँ पे उतना अच्छा फॉर्म देखने को नहीं मिला। बट आपको पता ही है कि पाकिस्तान है, स्पिनर को हेल्प मिलता है थोड़ा बहुत, और बैटिंग भी कर लेते शादाब खान अच्छी खासी, तो एक इंपॉर्टेंट पीक है। मोहम्मद नवाज इंजरी के बाद कम बैक करेंगे, अच्छे ऑलराउंडर है लाइक रविंद्र जडेजा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, थोड़ी बहुत बैटिंग करते हैं, 16 मैचेस में 20 विकेट्स है, और आपको मिडिल ओवर्स में विकेट दे सकते हैं। हसन अली को आप बहुत अच्छे से जानते हो, 58 मैचेस में 89 विकेट्स, थोड़ा सा रिसेंट फॉर्म उतना बढ़िया नहीं रहा इंटरनेशनल लेवल पर, बट स्टिल इंपॉर्टेंट पीक है। शाहीन शाहप्रदी ऑस्ट्रेलिया के सामने 2 मैचेस में 6 विकेट निकाली थी, बाकी करियर में तो बहुत बढ़िया है। हरीश रोप की बात करें तो ये भी T20 ब्लास्ट खेल के आए, वहाँ पे 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, कुछ इस तरीके से इन्होंने विकेट्स निकाली थी। बेंच पे जाहिद महमूद अच्छे स्पिनर है, ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 मैचेस में 4 विकेट्स निकाली थी, लिस्ट में 45 विकेट से। अब्दुल्ला शफीक देखो इन्होंने अब तक डेब्यू नहीं किया है, लिस्टे के स्टैट्स भी इनके उतने इंप्रेसिव नहीं, बिकॉज ज़्यादा क्रिकेट खेला नहीं, बट रिसेंटली PSL अच्छा खेल रहा था इनका, टेस्ट क्रिकेट में ओपन करते पाकिस्तान के लिए, तो वहाँ पे रन बनाए हैं, तो अच्छे प्लेयर है। मोहम्मद वसीम जूनियर अच्छे राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, ऑस्ट्रेलिया के सामने डेब्यू किया था, वहाँ पर इन्होंने 3 मैचेस में 5 विकेट्स निकाली थी, तब हसन अली नहीं थे, तो देखते हैं अभी हसन अली खेलते हैं फिर मोहम्मद वसीम जूनियर खेलते हैं। मोहम्मद हैरिस की बात करें तो PSL में अच्छा करके आए हैं, बट यहाँ पे खेलने का थोड़ा चांसेस कम है। शाहनवाज धानी ने अच्छा किया था PSL में, बट यहाँ पे भी इनका खेलने का चांस कम रहेगा। तो दोस्तों बनाते हैं स्मॉल लीग टीम। अब विकेट कीपर सेक्शन में आपको मिलते हैं मोहम्मद रिजवान, शाय होप, निकोलस पुरन, ये आपको तीनों मोस्ट लाइकली खेलते हुए दिखेंगे। मोस्टली पब्लिक मोहम्मद रिजवान को लेगी जिस तरीके से उनका फॉर्म रहा है, बट मैं यहाँ पे शाय होप को ले रहा हूँ। देखो मुझे शाय होप से भी उम्मीद नहीं है इस मैच में ऑनेस्टली, मैं अगर कहूँ तो आप निकोलस पुरन को भी ले सकते हो, बट मैं ले क्यों रहा हूँ वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर, बिकॉज मुझे पाकिस्तान के जो 7 प्लेयर्स लेने हैं मुझे अलग 7 प्लेयर्स लेने हैं, ठीक है। मैं अगर रिजवान को ले लिया ना तो फिर मुझे बॉलिंग में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा पाकिस्तान के, जो मैं करना नहीं चाहता, तो इस पॉइंट पर मैं रिजवान को छोड़ रहा हूँ। मैं शाय होप और निकोलस पुरन दोनों में से कोई एक लेना चाहता हूँ। अब शाय होप का क्या, मुझे उतना है नहीं इनसे उम्मीद, हो सकता है शाइन जल्दी लेके चले जाए इनको, बट बाकी सेट हो जाए तो लंबा खेलेंगे, रिसेंट फॉर्म भी अच्छा देखने को मिला नीदरलैंड के सामने, एशिया में वैसे भी इनके स्टैट्स अच्छे, तो आप इनको डेफिनेटली लेके चल सकते हो, सेफ चॉइस है, बट निकोलस पुरन इज़ नॉट अ बैड चॉइस, ये आपके लिए गेम चेंजर भी बन सकते हैं, बट इस पॉइंट पर शाय होप को ही मैं ले रहा हूँ। चलते बैटिंग सेक्शन में, बाबर को लिया मैंने, फ़खर को लिया मैंने, उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा। इमाम उलग का सिलेक्शन देखो 29% है, मैं इनको ले रहा हूँ। मैं मोस्टली ना पाकिस्तान के वनडे मैचेस में इमाम उलग को लेके ही चलता हूँ, मुझे पसंद है बिकॉज ये विकेट नहीं देते, ये लंबा खेलते वनडे क्रिकेट में, तो ये 3 प्लेस मैंने ले लिया। अब वेस्ट इंडीज़ की ओर से अगर कोई लेना चाहते हो तो ये 3 प्लेस से ब्रेंडन किक, शामरा ब्रुक्स, रोमन पॉवेल, इन तीनों में से जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। ब्रुक्स का अच्छा फॉर्म देखने को मिल रहा है, किंग ने अच्छा फिनिश किया था पिछले दोनों तीनों मैचेस में नीदरलैंड के सामने, रोमन पॉवेल का फॉर्म आईपीएल में अच्छा था,
और अच्छे प्लेयर है, बड़े हिटर है, ठीक है। इन तीनों में से जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। अभी के लिए हम लोग चलेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, जहाँ पे लिया शादाब खान को, जहाँ पे लिया मैंने काइल मेयर्स को। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, दोनों बॉलिंग बैटिंग दोनों दे देते हैं, तो दोनों को मैंने प्रेफर कर लिया। शेपर्ट खेल रहे तो ये भी एक अच्छे पिक करेंगे, बिकॉज ये भी बैटिंग दे देते हैं। खुशदिल शाह को बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों दे सकते हैं। मोहम्मद नवाज आ चुके हैं तो खुशदिल शाह के ओवर्स थोड़े से कट हो जाएंगे। मोहम्मद नवाज एक मेन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है जिनको ज़्यादा ओवर्स मिलेंगे, तो मैंने नवाज को ले लिया। अब इफ्तिकार अहमद आते हैं नंबर चार पे, और ये आपको कुछ ओवर्स ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलिंग भी देंगे, ठीक है। इनके पास कोई भी ऐसा मेन ऑफ ब्रेक स्पिनर बॉलर नहीं है, तो इफ्तिकार अहमद ही आपको बॉलिंग करते हुए मिल जाएंगे, तो आप इनको एज अ गेम चेंजर कंसिडर करके चल सकते हो। उसके बाद गाइस चलते बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ पे मैंने लिया सबसे पहले शाइन को, फिर मैंने लिया हरी सूरब को, ठीक है। ये दो मैंने बॉलिंग ऑप्शंस ले लिए। अब यहाँ पे देखो मुझे और एक बॉलर लेना था, जो भी खेलेगा हसन अली या फिर मोहम्मद वसीम जूनियर, दोनों में से जो भी खेलेगा पाकिस्तान के लिए मैं लेना जरूर चाहता हूँ। बट ये सात प्लेयर्स तो हो गए ना पाकिस्तान के, तो नहीं ले पाया। सोचो अगर मैं यहाँ पे रिजवान को ले लेता तो फिर मुझे यहाँ पे हरी सूरब को या फिर मोहम्मद नवाज को एक्चुअली ड्रॉप करना पड़ता, तो वही था रीज़न कि मैंने रिजवान को नहीं लिया है। अब हो सकता है कि नवाज अच्छा ना कर पाए, तेरी जैसे मतलब हो सकता है ना, क्रिकेट आफ्टर ऑल, और पब्लिक बिल्कुल नहीं ले रही है, तो फिर ये भी देख लो। अगर पब्लिक नहीं ले रहे आप चाहो छोड़ दो, और यहाँ पे वसीम जूनियर या फिर हसन अली जो भी खेलेगा ले लो, ठीक है। बट अगर आपको रिस्क लेना है नवाज के साथ ही चलो, ये आपका चॉइस रहेगा, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन दो लेने हैं हमें, वेस्ट इंडीज के दो प्लेयर्स लेने हैं, जिसमें एक अखिल हुसैन आ जाते हैं। एक तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग दे देते हैं, प्लस आपको ये बैटिंग दे देते हैं, तो ये इनका नोट करके चलोगे। अल्जारी जोसेफ अच्छे पेसर है, ठीक है। हेडन वॉल्स राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिनर है। जेडन सिल्स, एंडरसन फिलिप, शेनमन लेविस, हो सकते हैं तीनों ना खेले, या फिर तीनों में से मोस्ट लाइकली एंडरसन फिलिप खेल सकते हैं, और कोई नहीं खेलेगा, ठीक है। अब यहाँ से तो मैंने अखिल हुसैन को मैं लेके चल रहा हूँ। अब और एक प्लेयर हमें लेना है, अखिल हुसैन को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक प्लेयर हमें लेना है वेस्ट इंडीज़ का, रोमेरियो शेफर्ड खेल रहा, आप इनको ले सकते हो, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों दे देंगे, या फिर बैटिंग में शामरा ब्रुक्स, ब्रेंडन किंग, रोमन पॉयल, इन तीनों में से जो भी आप लेना चाहो। इस पॉइंट पे मैं शामरा ब्रुक्स को ले रहा हूँ, बट ब्रेंडन किंग या फिर रोमन पॉयल इज़ नॉट अ बैड चॉइस, आप उनको भी डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो। बट इस पॉइंट पे मेरी ये टीम बनती है। अब एक जो रिस्क लिया है मोहम्मद नवाज वाला, बस वो ये कि याद रखना वो मुझे रिस्क लग रहा है। अगर नवाज चल गए तो सही बात है, और नवाज नहीं चले तो फिर हर्ट कर सकते हैं, बिकॉज पब्लिक नवाज को मोस्ट लाइकली नहीं लेगी, रिजवान को लेगी, या फिर हसन अली खेलेंगे तो हसन अली को लेगी, ये बात याद रखना। तो ये बनती है अभी के लिए हमारी प्लेइंग इलेवन, या फिर हमारी टीम माफ करना, ठीक है। पर चेंजेस हो सकते हैं, जैसे मुझे पिच रिपोर्ट मिल जाता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। अगर पहले बैटिंग है पाकिस्तान की तो भी ठीक है, अगर पहले बॉलिंग है तो आप चाहो तो नवाज को ड्रॉप करके वो भी नहीं कर सकते। अरे बैटिंग पहले बॉलिंग, पहले बैटिंग पहले बॉलिंग, सब के लिए मुझे लगता है कि ये टीम ठीक बनी है पाकिस्तान की ओर से, बाकी देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे बोला शाहब को ड्रॉप करके आप निकोलस पुरन को भी ले सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टनसी सीधा सीधा, एक तो बाबर आजम ऑप्शन है, पब्लिक मोस्टली इनको कैप्टनसी देगी, इनके अलावा शाहीन शाहपुरेती, तो ये दो ऑप्शंस तो हो गए आपके सॉलिड कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑप्शन। अगर पहले बॉलिंग आ जाती है पाकिस्तान की तो मैं डायरेक्टली शाहीन को कैप्टनसी, बाबर को वाइस कैप्टनसी दे दूंगा, ठीक है। ये सिंपल है। अब थोड़ा सा हलक अलग, थोड़ा सा हटके, इमाम उलक, काइल मेयर्स, ये दो पिक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इमाम उलक के जिस तरीके से फॉर्म देखने को मिला था ऑस्ट्रेलिया के सामने, डेफिनेटली बहुत अच्छे ऑप्शन है। काइल मेयर्स बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इनके अलावा शादाब खान अगर स्पिनर को हेल्प मिला तो शादाब खान एक अच्छे ऑप्शन बन जाएंगे। तो ये कुछ ऑप्शन है, तो थोड़ा सा अलग है, पब्लिक ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है, आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। मिनी जीएल में, जीएल में फ़कर जवान ट्राई कर लेना, और उसके अलावा ट्राई कर लेना मोहम्मद नवाज को, ठीक है। तो गाइस फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्मॉल लीग टू मेंबर थ्री मेंबर के लिए शाहीन, बाबर आजम एक अच्छे ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा रिस्क लेके खेलना चाहते हो तो इमाम उलक, काइल मेयर्स, शादाब खान अच्छे ऑप्शन है, और जीएल में फकर जमान एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। ये थोड़ा सा सोच के चलना। हाँ अगर पाकिस्तान के पहले बॉलिंग है तो शाहीन को कंसिडर करो, पाकिस्तान के पहले बैटिंग है तो आप चाहो तो शादाब खान वगैरह को कर सकते हो वीसी, ठीक है, ये बात याद रखना। बाकी देखते हैं, फाइनल अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, अकॉर्डिंग टू टॉस, अकॉर्डिंग टू फाइनल पिच रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, पाकिस्तान है तो इन्वेस्टमेंट कम करोगे, वैसे भी सामने वेस्ट इंडीज है तो और भी थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो जाती है, तो इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से ही लेके चलोगे। फाइनल अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ो, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।